मुंबईतल्या भवन्स महाविद्यालयात सुरू असलेल्या कार्यक्रमात अंमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या एका इसमाला मुंबई पोलिसांनी अटक केली. सुनील शर्मा असं या आरोपीचं नाव आहे. एका सामाजिक संघटनेच्या मदतीनं त्याला अटक करण्यात आली आहे. आरोपीकडून पोलिसांनी मेथ आणि MD हे अंमली पदार्थ जप्त केलेत. या अंमली पदार्थाच्या 18 पुड्या पोलिसांनी जप्त केल्यात. त्यांची किंमत 30 ते 40 हजार असल्याचं बोललं जात आहे. या प्रकरणी DN नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कॉलेज का O2 फेस्टिवल था जिसमें सारी कॉलेजेस के बच्चे लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं. तो उधर ऑलरेडी ऐसा मतलब सब नशा तो बिकता ही है कॉलेजेस के सामने, हमको तो मालूम था. और ये भवंस के बाजू में ही हुआ, भवंस के बाहर ही हुआ. ये लड़के को वहीं पकड़ा गया जो पेडलर लाया था. हमने पुलिस को उससे पहले जब हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था हमारे DN नगर के देसाई साहब को कि साहब ऐसा ऐसा हमको खबर मिली है कि कोई लड़का आके यहाँ पे MD मैथ देने वाला है, उनको हमने बोल दिया था. तो हमने ये बोला था कि आप अपने लोगों को भेज दो पुलिस वालों को. तो उन्होंने पुलिस वालों को भेज दिया. तो हमने पुलिस को अरेस्ट कर, हाँ कार्रवाई भी तो हमने ला के दिया. अभी देखते हैं कार्रवाई कितनी होती है.